हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि मॉप को हम कैसे क्लीन करें। तो आप अभी देख रहे हैं कि मेरा मॉप जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो मैं इसीलिए आज बिल्कुल भी केमिकल फ्री सारे प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा, वाइट विनेगर और टिश्यू। आप चाहे तो देश का डिटर्जेंट भी ले सकते हैं, या फिर कपड़े धोने के जो डिटर्जेंट है वो भी आप थोड़ा सा, मतलब 1/4 टीस्पून जितना, वो भी आप अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करी डिश सोप। तो लगभग हाफ कप जितना मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर हम हाफ कप जितना ही विनेगर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून जितना ही डिश सोप। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी आप उतना लीजिए जितना कि आपका मॉप अंदर डूब सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो आप इस तरह से आप अपने मॉप को क्लीन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आप रोज़ कीजिए, बिकॉज नॉट एन ईजी, रोज़ विनेगर या बेकिंग सोडा रोज़ रोज़ डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस आप हफ्ते में एक बार या तो फिर 2-3 दिन के बाद आप इस तरह से भी धो सकते हैं, ताकि आपका मॉप जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड जर्म फ्री रहे। तो पानी अच्छे से भर जाने के बाद हम मॉप को अच्छे से घुमा लेंगे अंदर, ताकि जो हमारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया है बेकिंग सोडा वगैरह अच्छे से अंदर मिल जाए। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी देखिए कितना ज़्यादा खराब हो चुका है। तो अब हम इसे क्लीन वाटर से अच्छे से धो लेंगे। और नए पानी से, मतलब क्लीन वाटर से, हम 1 से 2 बार मॉप को अच्छे से धो लेंगे। अगर आप रोज़ इस तरह से क्लीन करना चाहें मॉप को तो भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा मॉप क्लीन हो चुका है। ये बिफोर का है, आप देख सकते हैं कि कितना काला था, और ये आफ्टर का है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आता हो वीडियो तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।